अगली कॉलर जुड़ी हैं करनाल से सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम मेरी मम्मी है, मतलब उनको ना अधरंग हुआ था। वो उनकी अब 2 साल हो गए उनकी, जैसे टांग होता बिल्कुल जैसे जुड़ सी गया, पेन बहुत होती है, बहुत रोते हैं वो। उम्र 75 साल है जी। हाँ देखिए, आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजिए, गौंद स्याह कहीं असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है बहुत जायके में, और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं। और ये जो होता है ना वेस्टर्न टॉयलेट, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो लगवा दें। आप बहुत प्रेम करते हैं ना अपनी मम्मी को, तो उनके लिए लगवा दें, वो अपनी ज़रूरत वेस्टर्न टॉयलेट पर पूरी किया करें। ये नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा तकलीफ़, दवा उनको अच्छा करेगी और आप उन्हें फिर ये जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर ख़राब कर देता है। या कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम देना शुरू करें, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। गीता जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे पेट में गांठ है, पेट की गांठ, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें कोई नहीं आई थी गांठ, लेकिन एंडोस्कोपी कराई तो उसमें फेट की गांठ बताई। तो मतलब पेट में गांठ है या गुर्दे में गांठ है? गुर्दे में नहीं है, पेट में है, मतलब पेट में खाल में। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अगर वो तकलीफ नहीं देती है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना भी हो सके आप गर्म पानी पिया करें। गर्म पानी भी ऐसा कि खूब जलता हुआ, और अगर बाकायदा इलाज करना चाहते हैं तो नमक आता है जैतून का, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, तो 2 चुटकी जैतून का नमक, ये रसायन होता है जैतून का, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के सुबह और शाम पिया करें, आपको राहत होना मुमकिन। हिमांशु जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हिमांशु जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमें डॉक्टर साहब से ये जानना कि हमारे दांतों में गैपिंग है। अच्छा, तो उसके विषय में डॉक्टर साहब कुछ बता दो जी। चलने में प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है 50 है। ठीक है, तो देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, बल्कि 2 चीज़ें बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए वो इस्तेमाल करें, और ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। देखिए, एक तो आता है गौंद स्याह, ये काला गौंद रॉ मटेरियल है, इसको आप असली लेना है, नकली भी बहुत मिलता है। गौंद स्याह अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपके रोग के लिए काफ़ी होगा। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से या पानी से, जिससे भी खाएंगे फ़ायदा आपको मुमकिन है। ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा, देखने में ब्राउन कलर होता है, लेकिन इसको गौंद स्याह या काला गौंद कहते हैं, नकली मत लेना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, आधा ग्राम सुबह, एक कैप्सूल सुबह एक शाम को, ऐसी तरह नाश्ते और खाने के बाद लें, और 5-10 दिन इंतज़ार करें, 5 या 10 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होता है, और अपना खूब ख्याल रखें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। पटना से कॉलर हैं हमीम अंसारी, स्वागत है आपका। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, बताइए आपका सवाल क्या है। वालेकुम सलाम। मेरे वाइफ का जो है पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और कमजोरी हो रही है। पेट में दर्द और कमजोरी, कब से है ये तकलीफ? ये करीब 13 महीना हो गई, जो मेरी उनके वाइफ की जो है ना मां डेट कर दी थी, तो थोड़ा टेंशन में आ गई थी, अब चार दिन खाना पीना छोड़ दी थी, तो चलते हो गया। एज क्या है? कोई करीब 25-28 बरस जी। हाँ देखिए, पेट की जांच करा लें आप, सोनोग्राफी करा लें,
और कभी कभी हमें पथरी हो जाती है तो उससे पेट में दर्द होता है, फिर वो कमर की तरफ चला जाता है, कभी उल्टी आती है तो किडनी की और पेट की, बल्कि पूरे एब्डोमन की सोनोग्राफी करा लें तो सही पता चलेगा। अभी शुरू हुआ है लेकिन क्योंकि आपने फ़ोन किया है तो मैं दवा भी बता देता हूँ। देखिए, सौंफ, धनिया, मेथी, इसका पाउडर बना लें बराबर वजन में लेकर, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से दें, और गर्म पानी 5 बार पिलाएं तो हो सकता है कि उनको फ़ायदा हो जाए। लेकिन जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, जांच ज़रूर कराएं ताकि हमें भी पता चल सके, और जांच में जो आए तो आप हमें शेयर करें ताकि हम कोई सटीक इलाज भी बता सकें। अगले कॉलर अंकित गुप्ता, स्वागत है अंकित। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैकिन जी से बात करनी है मुझे। जी बात जी करिए। जी गुप्ता जी, आदाब। हाँ नमस्कार सर। सर मेरे दोनों एड़ियों में दर्द होता है, सुबह जैसे मैं उठता हूँ और उठ के अपनी पैर रखता हूँ तो एड़ियों में दर्द रहता है, और चलते चलते कम हो जाता है, फिर मैं बैठ जाता हूँ फिर उठता हूँ तो दर्द होता है। और मैंने डॉक्टर ने बताया थोड़ा हड्डी पे सूजन है, हड्डी बढ़ी हुई है, तो इसके जी लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुप्ता जी, आपकी आयु कितनी है? आपकी आयु? आयु मेरी 30 साल। अच्छा, बैठने का काम है क्या आपका? नहीं मैं टीचर हूँ सर। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये सूजन नहीं होती मेरे अनुभव के अनुसार, यहाँ कमर में हमारे हिप से ऊपर कुछ नर्व दबने लगी हैं, और जब भी आप आराम करेंगे काफ़ी देर तक और उठ के चलेंगे तो थोड़ा ऐसा लंगड़ा के या लंग करके चलेंगे और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे। ये शुरुआत है साइटिका की, यानी रगें दबने की शुरुआत है, और अपने ये बगैर, अभी तो शुरुआत है तो बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है, लेकिन मैं दवा भी बता देता हूँ। एक तो ये करें कि सीधा खड़े हो जाएं और घुटने बगैर मोड़े, और पैर के पंजे ऐसे मिला लें सीधे खड़े होकर, और घुटने बगैर मोड़े अपना पैर छूने की कोशिश करें। ये दिन में आप कितने भी बार कर सकते हैं, 10 बार 20 बार, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और वेस्टर्न टॉयलेट अगर आपके घर में हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये कुर्सी वाला बाथरूम, और वैसे तो इसी से ठीक हो जाने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दवा भी बता दूं, या ऐसे और लोग भी होंगे जो हज़ारों लोग सुनते हैं बात को जिन्हें दवा की ज़रूरत है, तो या तो गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, आधा आधा ग्राम सुबह शाम आप खाएं नाश्ते और खाने के बाद, यह असली मिलना चाहिए, कड़वा होता है, नकली बहुत मिलता है, या फिर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं नाश्ते और खाने के बाद, पानी, दूध या जूस से भी ले सकते हैं, जिससे भी लेंगे फायदा मुमकिन है। सुमन जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी बोलिए। मैडम, मेरे कमर में बहुत दर्द है, और कमर वाला दर्द जो है वो नीचे जाता है, घुटनों में, पट्टों में, पिलियों में, पैरों में। कितने समय से है? शायद 10 साल हो गए हैं। आपकी एज क्या है? 68 साल। अच्छा देखिए, मैं आपकी बात सुनकर ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है, पता चल जाता है अंदाज़े लैंग्वेज से, और फिर भी अगर मेरा अंदाज़ा गलत हो तो वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर लगवाएं, तभी आप ठीक हो सकते हैं। यानी ये कुर्सी वाला बाथरूम, पढ़े लिखे हैं आप और ज़रूर होना चाहिए आपके घर में वैसे मेरे अंदाज़े में। अच्छा देखिए, 10 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, और मुझे आपसे 2-4 महीने चाहिए यूनानी के लिए, क्योंकि यूनानी रोज़ ज़रा सा फ़ायदा पहुंचाती है। देखिए यूनानी में दो चीज़ें हैं जो आपको आसान से मिल जाए और असली मिल जाए, वो ले लीजिए। गौन सिया, एक काले गौन को कहते हैं गौन सिया, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है,
बसूरत सा होता है, इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ़ायदे में मैंने इससे अच्छी कोई दवा नहीं देखी। एक रॉ मटेरियल है, साबुत लें, पिसावा किसी से ना लें, और उसको पाउडर बना लें, 100-200 ग्राम भी मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी है। जी। गौंसिया आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से, ये लें। ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाना शुरू करें, और एक महीने में भी फायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाना, ताकि ये रोग वापस ना लौट सके। अगले कॉलर विजय, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। मैंने बाजू को दर्द होती है। कब से दर्द है? एक महीना हो गया, बाजू का ऊपर बाजू में ना, मुंडे में दर्द है, थोड़ा मुंडे के नीचे बाजू आदि में दर्द होती है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 68। ठीक है। देखिए, अब ज़्यादा काम मत किया करिए, ख़ासतौर पर उस बाजू से जिसमें तकलीफ़ है। कोई मेहनत का काम या बहुत ज़ोर लगाने का काम या वज़न उठाने का काम मत करें, नहीं तो ये काफ़ी दर्द होता है और रुला देता है, इतना भी होता है। और एक तो एक्सरसाइज करिए, ये रोज़ाना करिए कम से कम 2-3 मिनट। और गौंदस्या आता है, काला गौंद जिसे कहते हैं, असली लेना, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं और कई महीने तक खाएं तो आपको फायदा होना मुमकिन है। मोनिका मुरादाबाद से, स्वागत है मोनिका जी। हाँ जी मैम, मैं मोनिका बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। सर नमस्ते। आदा सर, का मैंने बताया हुआ स्किन का एक इलाज था सोडा, तो चुटकी भर सोडा मैं रोज सुबह शाम ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे जो स्किन पे हाथों की तरह ब्लैक हो गया था वो सही हो गया है, काफी हद तक चला गया। लेकिन मैं सोच रही थी, सर बता रहे थे कि ये गोंद मोरिंगा लेने से भी चेहरा साफ होता है, तो क्या मेरी एज 40 साल है, मैं ले सकती हूँ? बहुत प्यारी बच्ची हैं आप, और आपको भगवान ने फायदा भी दिया। अच्छा, ये एक ही चुटकी एक बार लिया करिए, बस दो बार नहीं ले सकते, ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी देता है, इसकी तादाद एक ही चुटकी है। और गौंद मोरिंगा लें तो याद रखें, गौंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है, लाल वाला भी आता है वो नकली होता है, नुकसान देता है, तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद लेंगे तो ये चेहरे की ताजगी लाता है, छीपे दूर करता है, बालों को बढ़ाता है, और महिलाओं के लिए भी और दूसरे मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, आप चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इसकी तादाद आधा ग्राम है, आधा ग्राम एक बार या ज़्यादा दो बार लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिहार से प्रियंका जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ मैम, ये मेरा सांस हमेशा बढ़ा रहता है जी, हफ्ती का प्रॉब्लम है, और गला में खराश हमेशा रहता है मैम, बहुत इससे परेशान रहते हैं, हमेशा दवा लो तब चलो, दोनों टाइम तीनों टाइम। और एज क्या है आपकी? एज 32 है मैम। 32, बहुत कम उम्र में आजकल रोग होने लगे। एक तो गर्म पानी पिया करो आप रोजाना 5 बार, इससे बड़ा फायदा होता है, ये दुनिया की अच्छी दवा है, देखने में तो पानी है लेकिन गर्म पानी, खूब गर्म पानी पिया करो। और देखिए, लिसोड़ा 100 ग्राम, उन्नाप 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन में गर्म मसालों में पाई जाती हैं, इनका पाउडर बनाइए और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से खाना शुरू करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर रमेश ना हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। मैंने ना पेट की तकलीफ है जी। कब से? बुला सा पेट रहा। आपको पेट की तकलीफ है और बहुत ज्यादा है, तो एक नुस्खा बना लीजिए, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, फिर बोलता हूँ, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम और 100 ग्राम रसायन आता है एक जैतून का रसायन, इसे जैतून का नमक भी कहते हैं, अस्टेक जैतून भी कहते हैं, ये 100 ग्राम
खरीद के पाउडर बना लें इन सब के साथ, और आधा आधा चम्मच दो से तीन वक्त तक खाया करें, आपकी पेट की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं यूपी से, कृष्णा जी स्वागत है आपका। जी कृष्णा जी, समय बहुत कम है, जल्दी से सवाल कीजिए। सर हमारा सवाल ये है सर, हमारा गाँव से बवासीर से हम बहुत परेशान हैं। कौन सी है? बवासीर, बवासीर जी। कौन सी बवासीर है, खूनी, बादी या चाइनीज? खूनी है सर, खूनी। ठीक, देखिए आप लिख लीजिए एक नस्खा और खुद बनाइए। देखिए जो पनवाड़ी है ना, ये कत्था लगाता है पान पे, ये कत्था मिलता है, इसको आप 100 ग्राम खरीद लें। कत्था सफ़ेद के नाम से मिलता है, काला वाला नहीं, सफ़ेद वाला, सफ़ेद कत्था और सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये दोनों चीज़ें सफ़ेद लेनी है, सफ़ेद कत्था, सफ़ेद गौन मोरिंगा। और एक दवा आती है जिसको कहते हैं लाजवंती, और एक दवा आती है जिसका नाम है रसवंती। ये चार दवाएं 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और एक ग्राम सुबह एक ग्राम शाम खाएं, पानी से या दूध से। काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन आपका ये रोग मुक्त होना मुमकिन है। बिल्कुल, तो इनके लिए कोई यूनानी मेडिसिन भी हो सकती है क्या हकीम साहब? और कैप्सूल पी केयर अगर लें तो उससे भी फायदा मुमकिन है। कॉलर राम प्रसाद जी सहारनपुर से स्वागत है आपका। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब नमस्कार। आदाब जनाब, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी सर, वो दमे की दवाई तो मैं आपसे खा रहा हूँ, मेरे पेट में पेट का सबकी सारी सिस्टम खराब है, और पीछे नीचे पेशाब में पेशाब के ऊपर भी दर्द होती है, पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, और कुछ तो नहीं कहना भाई? यही साइडों में दर्द हो जाती है, नहीं तो पेशाब के ऊपर हो जाती है, पेशाब बहुत ज्यादा आती है, पेट मेरा बहुत खराब रहता है, कब्ज तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, भूख भी नहीं लगती। ठीक, अभी ये दवा तो रोकना नहीं, आप 5-6 महीने लगेंगे इसमें फायदे के लिए। अगर पेट की और पेशाब की समस्या है तो एक आता है कलौंजी का नमक, इसे रसायन कलौंजी भी कहते हैं, एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, 100 ग्राम खरीद लें और दो चुटकी सुबह, जितनी चुटकी है यानी आधा ग्राम करीब, दो चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, एक बार या दो बार, तो ये फौरन आपको फ़ायदा शुरू करेगी। और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो आपके रोग के लिए काफ़ी होनी चाहिए।